हाय कॉल हेलो कॉल आवाज नहीं आ रहा है। सदी माइक आवाज नहीं आ रहा माइक सदी ओ सर आपको म्यूट पे लगा हुआ है। ठीक है आ रही नहीं है सर बंद है सर आप स्पीकर ऑन चले चैप्टर नंबर थ्री है इट्स ऑल अबाउट द मैट्रिसेस। मैं ज्यादा सी चीजें बोलूंगा क्योंकि बोलते हुए लिखने की जरूरत नहीं पेश आएगी तो हम जल्द अज जल्द बहुत सी चीजें कवर कर लेंगे जो मेरे माइंड में है मैं आप लोगों को बता देता हूँ फिर जो बुक से रिलेट है वो इंशाल्लाह हम लोग कर लेंगे। बेटा मैट्रिसेस हर मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम लोग ब्रैकेट्स में लिख दें इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड द मैट्रिसेस। किसी भी मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर हम लोग रोज एंड कॉलम्स में विद इन ब्रैकेट्स एक बार ध्यान में रखिएगा अक्सर आप लोगों ने पढ़ा होगा ये मैट्रिक्स हम इसमें भी लिख सकते हैं और मैट्रिक्स इन फॉर्म में भी लिख सकते हैं ये तीनों चलती हैं लेकिन अभी तक और एफएससी तक आप लोग सिर्फ इन्हीं के ऊपर रहेंगे लेकिन अगर वो पैरेंथेसिस भी यूज कर रहा है तो इट मीन दे आर डिनोटिंग द मैट्रिसेस। डबल बार भी यूज कर रहा है तो इट मीन दे आर डिनोटिंग द मैट्रिसेस। कीप इन योर माइंड ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल लाइन जो भी होगी उसको क्या कहा जाएगा और वर्टिकल जो भी होगी उसको कहा जाएगा। हर मैट्रिसेस को कैपिटल ए से लेकर के डी तक यूज किया जाता है और उसकी एंट्रीज को एंटिटीज एंड एंट्री सेम चीज है। एंटिटीज और एंट्री सेम चीज है स्मॉल के साथ। बेसिकली हम लोग A11 A12 A13 इस तरह हम लोग यूज करते रहते हैं। अच्छा एक बात दूसरा होगा हमारे पास रोज का पता चल गया। नेक्स्ट होगा ऑर्डर। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस क्या होगा ए बी सी डी। इसमें कितनी रोज है हमेशा रोज पहले आती हैं और वो M क्रॉस N लिखते हैं। M always stand for rows and N always stand for columns। चंद टाइप्स हैं आप लोगों को पता है। सबसे पहले है रियल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी हर एंट्री रियल नंबर के ऊपर करे उसको रियल मैट्रिक्स कहा जाता है। सबसे मुश्किल एमसीक्यूज होता है सबसे मुश्किल। कैसे अभी आप लोगों को बताएगा एमसीक्यूज में 1 2 3 कि हम लोगों को पता है एक रो है तो उसको क्या कहा जाता है रो मैट्रिक्स। अगर एक कॉलम हो तो क्या कहा जाएगा इसको हम लोग करेंगे एक रो और एन कॉलम यानी कि यहाँ 3 कॉलम 1/3। अगर मैं जनरली इसको इस तरह लिखूं A11 A12 A13 अप टू सो ऑन तो इसका मतलब है A1n तो आपके पास एक रो और एन कॉलम। रियल मैट्रिक्स में मैं क्यों लेकर आया इसको क्यों जाता है ये जो चीज दी हुई है क्या ये रो मैट्रिक्स है रियल मैट्रिक्स है बोथ है या नन है बोथ है। यहाँ बच्चा कंफ्यूज होता है कि सिर्फ रो दी हुई है तो ये रो मैट्रिक्स होगा। रियल मैट्रिक्स की निशानी होती है हर एंटिटी अगर किसी भी मैट्रिक्स की रियल नंबर में दी हुई होगी तो उसको हम रियल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप लोग बहुत सी चीजें जो है वो रियल नंबर में ही पढ़े रो मैट्रिक्स बता दिया। एनी क्वेश्चन अगर एक कॉलम हो सिर्फ जी उसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स।
उसको रियल भी बोले अगर वो पूछेगा, अदरवाइज आप लोगों ने रियल नहीं बोलना है, ठीक है बेटा। तो ये कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स हमारे पास आ गया, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा? इसके रो और कॉलम प्रॉपर। शाबाश, ए बी सी अगर डी रियल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एम क्रॉस एन, एम ऑलवेज इक्वल टू, इसका उलट होता है रेक्टेंगुलर, मतलब ए बी सी डी ई और एफ, एम क्रॉस एन कभी भी एम जो है वो एन के इक्वल नहीं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा और क्या होता है? रेक्टेंगुलर स्क्वायर डायगोनल मैट्रिक्स। अब आप लोगों ने ना थोड़ा सा गौर करना है, इसको पकड़ो। डायगोनल मैट्रिक्स का, स्केलर मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इन तीनों को साथ पढ़ाने वाला हूं। डायगोनल मैट्रिक्स में और कीजिएगा, डायगोनल होता क्या है? प्राइमरी डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल पढ़ा हुआ है? कहाँ पढ़ा है? पढ़ा हुआ है। और बच्चा कहता है मैंने पढ़ा हुआ है, सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे हैं कि क्या कह रहा है। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हो, ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मैंने मैट्रिक्स में ना एमसीक्यूज की बहुत घुमा फिरा के पेश करना है। अक्सर कहते हैं सर वैसे भी घुमा फिरा के पेश करते हैं। A11, A12, A13, A21, A22 or A23, A31, A32 or A33 बेटा प्राइमरी मैट्रिक्स। प्राइमरी डायगोनल जो लेफ्ट कॉर्नर, अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हो और लोअर राइट कॉर्नर तक जाए, उसको कहते हैं प्राइमरी। सेकेंडरी मैट्रिक्स जो अपर लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हो, लोअर राइट कॉर्नर तक जाए। ये मेरी बातें गौर कर लीजिएगा, ये एमसीक्यूज की बोलियां बोली जा रहा हूं, समझ आई? अब हम थे डायगोनल मैट्रिक्स, ये सबसे अहम बात बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स एटलीस्ट प्राइमरी डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन जीरो। दोबारा, एटलीस्ट प्राइमरी डायगोनल का एक एलिमेंट नॉन जीरो, सारे नॉन जीरो ना हो, जरूरी नहीं है, उसको कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अब कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स, प्राइमरी डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो, नॉन जीरो हो और सेम हो, नॉन जीरो हो और सेम हो। अब आते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, प्राइमरी डायगोनल के हर एलिमेंट का वन होना। अब मैं चंद चीजें पूछता हूँ, आप लोगों ने जल्दी जल्दी बता देनी है। मैंने एक मैट्रिक्स बनाया, इसमें थे 4 0 0 0, कौन सा मैट्रिक्स? अब एमसीक्यूज बना रहे, पहला स्केलर, दूसरा डायगोनल, तीसरा आइडेंटिटी और चौथा ए प्लस हंस क्यों रहे? ए प्लस बी, यानी कि ये स्केलर भी है और क्या ख्याल है? हाँ, अब फंस गए, अब बताएं जल्दी से, नहीं वो भाई बताएंगे। ए ए भी, ए भी एक है,
कौन सा ए है, शाबाश, ये कौन सा है जी, डायगोनल मैट्रिक्स, जबरदस्त। अब कोई भी नहीं, अब कौन सा जी, डायगोनल है, कौन सा है, अब स्केलर भी है और डायगोनल भी है, ये हम एमसीक्यूज के बारे में, ठीक है जी, चलें। ऑब्वियसली नहीं है, आइडेंटिटी में वन होना जरूरी है। प्राइमरी डायगोनल का पता चला, सेकेंडरी डायगोनल का पता चला, इक्वल मैट्रिसेस। बेटा इक्वल मैट्रिसेस आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैंने आप लोगों को पहले बताया, इसके दो रूल है, पहला ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होना चाहिए। इक्विवेलेंट में क्या होगा, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए। हर इक्विवेलेंट इक्वल होता है, लेकिन हर इक्वल इक्विवेलेंट नहीं होता। मैं सही बोला, मैंने गलत बोला, मैंने कहा हर इक्विवेलेंट इक्वल होता है, तो ये गलत है ना, हर इक्वल इक्विवेलेंट होता है और हर इक्विवेलेंट इक्वल, क्या कंफ्यूज करने वाली बात, हर स्केलर डायगोनल होता है, हर स्केलर डायगोनल होता है, हर डायगोनल स्केलर होता है, हर स्केलर डायगोनल होता है, हर डायगोनल स्केलर, और हर स्केलर एक और, हर आइडेंटिटी एलिमेंट डायगोनल होता है, हर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल होता है, क्या हर आइडेंटिटी स्केलर होता है, नहीं। तो इसका मतलब है आइडेंटिटी में डायगोनल भी आ रहे हैं और रोना नहीं है मेरा बच्चा, बिल्कुल नहीं, इसका नाम है आ सकता है ना, एक नॉन जीरो होना चाहिए इसमें, तो दोनों नॉन जीरो है ना, वन बेटा, वो मैं तो बात कर रहा हूँ आइडेंटिटी की, तो वो तो आइडेंटिटी भी नहीं होगा। अच्छा एक और बात बताए, टू थ्री जीरो जीरो जीरो, बल्कि टू जीरो 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 टू, ये कौन सा आपकी असाइनमेंट है, ढूंढ के आइएगा ये क्या है। बेटा ये डायगोनल नहीं है, स्केलर नहीं है, स्फीयर हो भी सकता है, स्फीयर ढूंढ के आइएगा। ये मैट्रिक्स हमने जितनी टाइप्स पढ़ी हुई है कौन सी है। अच्छा चले, ये आप लोगों का असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने करके आनी है। अब हम लोगों ने देखना है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। किसी भी दो कॉलम की मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सब्ट्रैक्शन और एडिशन कब हो सकती है, ऑर्डर सेम हो, जिसकी ऑर्डर सेम हो तो उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं। आप लोग उनके पास लेट्स सपोज वन टू थ्री है और आप लोगों के पास ए है और बी है, टू थ्री फोर, इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे, इसका जो ऑर्डर है वो वन क्रॉस और इसका ऑर्डर थ्री क्रॉस, तो मल्टीप्लिकेशन का जो असूल है वो क्या है कि फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो सेम होगी तो हम लोग उसको, और हमेशा मल्टीप्लाई इस सेवन फॉर्म में करते हैं, ऐसे ना। अच्छा इस मल्टीप्लाई करने के बाद ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बी का,
ऑर्डर क्या आएगा? वन बाय वन, ये आपस में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, जो रिमेनिंग बचते हैं वो हमेशा इसका ऑर्डर बन जाता है। इसका ऑर्डर आएगा वन बाय पार द क्रॉस चेक, आप लोग इसको देख सकते हैं। 3.1 देखिएगा, कोई क्वेश्चन आप लोगों को समझ ना आया हो। आप क्या समझते हैं कि सर जाते जाते कुछ नहीं पढ़ेंगे?